नमस्कार, हम पिंटू सिंह यादव आप सभी के स्वागत करते हैं भोजपुरी रेमजे में। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, और पवन सिंह कोई भी गाना गाओ वो दमदार ना होके ऐसा कैसे हो सकेला। और पवन सिंह खास करके पावर स्टार अगर कहल जालन तो जरूर उनका गाना में पावर रहेला, तभी पावर स्टार लोग उनके कहेला। और पवन सिंह लगातार जो बाड़े अपन एल्बम मार्केट में लेके आवत रहलन, और मार्केट में उनका जो गाना बाटे काफ़ी ज़्यादा तहलका भी मचावत रहेला। खास करके अगर हम बात करें तो पवन सिंह कई सारा इंटरनेशनल गाना भी लेके आए बड़े जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचौले बा। साथ में ऐसा भी गाना लेके आए बन जौन की वर्ल्ड वाइड उनका गाना फेमस बा। वो अगर हम बात करें तो वो गाना बा लगावे लू जब लिपस्टिक। ओकरा बाद जौन बाटे लॉकडाउन में वो गाना उनका आयल सा मीठा मीठा बात थे कमरिया हो, और ई गाना जौन बाटे एक नया इतिहास रचे की ओर अग्रसित होता, और ई गाना जौन बाटे लगभग 100 मिलियन के कगार पर पहुँचे वाला बा। तो एकरे से अंदाज़ा आप लोग लगा सके नहीं जाए कि पवन सिंह आखिरकार पावर स्टार काहें कहल जालन। और पावर स्टार ऐसे कहल जालन कि इनकर फिल्म भी, इनकर गाना भी, और इनकर स्टेज शो भी इतना धमाकेदार होला कि जहाँ भी जालन चर्चा का विषय बन जालन। और यही इनकर चीज़ के चलते लोग जौन बाटे काफ़ी ज़्यादा इनके पसंद करेला, और भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह के बहुत बड़े बड़ा लोग फैन भी बाटे, और लोग जौन बाटे इनकर गायकी के भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करेला। यही से भोजपुरी के पावर स्टार बारे में पवन सिंह कहे लगेला। लेकिन लगातार जो तरीका से अभी गाना लेके आवत रहे तो उनकर एगो और गाना आज जौन बाटे शाम में रिलीज भइल, और वो गाना रिलीज होते हैं तो हल्का मचावे शुरू कर दिले बाटे। और वो गाना के लोग इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है कि आप लोग जब सुनब जा तब खूब का खूब आप लोगों के पता लग जाए कि जरूर ये गाना में दम बाटे। और एकरे चलते ये गाना जौन बाटे वो काफ़ी ज़्यादा व्यूअर बटोरे शुरू कर दिले बा। जी अगर हम बात करें तो गाना हमके लगता है कि बेवफाई से जुड़ा बाटे, या फिर एगो रिलेशन के लेके ऐसा गाना बनावल गई बा जेमा ऐसा विचार प्रकट होता कि जौन बाड़न वो मान लो कि ब्रेकअप हो गई बा, जेकरा चलते अब वो कहत अड़ेन कि अब घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो एल्बम के अगर हम गाना के नाम करें तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता एल्बम के नाम बढ़ते, और पवन सिंह गौले बाड़ेन तो आप लोग यही बात से अंदाज़ा लगा सके नहीं जाए कि आखिरकार निशाना केकरा वही बा। और अगर आपके समझ में आ गए तो कमेंट बॉक्स में भी बता दें जा। अगर हम सिंगर की बात करें तो पावर स्टार जौन बाड़ेन सिंगर पवन सिंह जौन बाड़ेन ये गाना की अपना खूबसूरत आवाज़ में ये गाना के जादू जौन बाड़ेन वो बिखरले बाड़ेन। अगर हम लिरिक्स की बात करें तो अजय बच्चन जौन बाड़े एकर लिरिक्स राइटर बाड़े, जो उनके लिखले वाले बाड़े वो अजय बच्चन बाड़े। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जाना माना पहचाना चेहरा जौन बाड़े छोटू रावत गाना के कंपोज कैले बाड़े। और जब इतना बढ़िया बढ़िया लोग और इतना स्टार लोग जब होके तो वो गाना काहे ना बढ़िया व्यूअर बटोरी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकेंगे। अगर हम बात करें तो कंपनी म्यूजिक कंपनी जौन भी वो आरवी ऑफ एंटरटेनमेंट जौन भी वो म्यूजिक कंपनी भी, और वही कंपनी से ये गाना जौन बाटे रिलीज हो गई बा। तो आप लोग गा के गाना सुनी जा। आरबीएफ एंटरटेनमेंट से पवन सिंह के जौन गाना बाटे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और ये गाना जौन बाटे वो रिलीज हो गई बा। तो आप लोग जाएं जा यूट्यूब पे आरबीएफ एंटरटेनमेंट पे सुनी जा, और हमारा भी कमेंट बॉक्स में बताई जा कि आखिरकार पवन सिंह के ये गाना आप लोगों के कैसा लागत। इंतजार रही तो जाएं जा सुनी जा, और कमेंट बॉक्स में हमारा जरूर बताएं जा। अगर वीडियो पसंद आए तो करके लाइक कमेंट शेयर कर दें जा, और चैनल के पसंद करने जा तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं जा तो आप हमारे के फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़ जाए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वजह से जाके आप हमारा के फॉलो कर सकें जा। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद बा, नमस्कार।